गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस नेल्स मेरे हो चुके हैं, देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। और आज मैं कराने जा रही हूँ फेशियल, वैक्स और आईब्रो। बस आज मैं ये सब चीज़ कराने जा रही हूँ करोना जी के पास, जिन्हें तो आप लोग जानते होंगे, इन्हें भी जानते ही होंगे, कभी तो कभी देखे ही होंगे। तो आपका स्वागत है इनके ब्लॉग में। 30 डे चैलेंज का डे 29 है ये, तो मिलते रहे ब्लॉग में, बने रहे हमारे साथ। और हमने बहुत कुछ सोचा अभी ब्लॉग में, तो कुछ जो हमारे ब्लॉग की वो है लेवल है वो अब करने का सोचा है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे कुछ नया नहीं। तो गाइस अभी आपको पीछे कुछ तो दीदी सोनिया है, तो गाइस आज मैं जा रही हूँ फेशियल वेशियल कराने। तो चलो गाइस, इसको मैंने सोचा था नमकीन है, तो आज अभी तो मैं काम कर लेती हूँ, बाकी बाद में जाऊँगी, क्योंकि दीदी को भी मैसेज आया कि कब आ रही है, क्योंकि मैंने उनसे कल ही बोल दिया कि मैं आऊँगी। अरे मैंने उनसे पूछा कि आप फ्री हो ना हो, पर वे मेरे लिए हमेशा फ्री रह रहे हैं फिर भी, इसलिए मैंने उनसे एक बार पूछ ली कि आप फ्री हो ना हो। कल पूछी ना, इनका सुबह मैसेज आया कि तू कब आएगी, तो मैंने बोलते कि आ जा, तो उन्होंने बोला हाँ आ जाओ, इसलिए आज मैं जा रही हूँ। फिर मम्मी बोलने लगी कि आज ही चली जा, क्योंकि गाइस मैं आईलेसिस कराने के लिए भी सोच रही हूँ। सर बोल रहे हैं कि करा लो अगर मन है तो कराओ, इफ यू हैव मन सो यू डू इट। अपने मन की सुननी चाहिए हमें लाइफ में, अपनी सुनो। मेरा जी मैं कर रहा हूँ एक किसी की घूसा मारूँ, मन तो ऐसे भी रो कर रो यार, ऐसे पकड़ो और उफ पागल हो तुम भाई। हाथ फूंक दे, चाय में दिखाओ, चाय दिखाओ पहले आप, भाई देखो भाई चलो चलते हैं। दिया तो गाइस चलो चलते हैं, अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, बाकी बाद निकलते हैं यहाँ से। गाइस मेरे नेल्स इतने प्यारे हैं ना, मैं क्या ही बोलूं इनके लिए, तो बहुत ज्यादा इन्हें मतलब ऐसी गलत देखती रहो बस गाइस कोई चल रहा है, हमें भी देख लेगा फुक्को आदमी। गाइस मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद। ओके गाइस अभी हम निकल चुके हैं, मैं और सर और दीदी, ये लोग मुंह छोड़ के पटक कर आ जाएंगे और फिर ये लेके जाएंगे। क्योंकि जब से इंसिडेंट हुआ है ना, मुझे बहुत डर लगता है गाड़ी चलाने में। क्या हुआ है इंसिडेंट? कौन सा वाला इंसिडेंट? मतलब मुझे डर लगता है बहुत टाइम से, मतलब गाड़ी छूता नहीं चलाता नहीं। जवाब दिया मैंने, दिया कि देखने काम है बस देख कर जाओ, जज मत करो। चलो चलते हैं, दीदी की बस्ती रहे किसी न किसी से मेरे कमेंट बॉक्स में। हम तो किसी के ब्लॉग में आ गए, हम तो पीछे ऐसे से पड़ते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में दीदी की गुत्थम गुत्था होती रहती है, दीदी कोई ना कोई भिड़ तो ही रहे हैं। एंड में बोलेंगे अरे सॉरी हमारे से गलती होगी, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो तो फिर चलते हैं। हम फाइनली आ चुके हैं इनके पास, जो कि बहुत ज्यादा बिजी है इस टाइम पे, देख सकते हैं इनके फेस से ही पता लग रही है कि ये कितनी थकी हुई है आज। गाइस इतनी अच्छी लग रही है आज तो। मैं क्या ही करूं, वो इतनी अच्छी लग रही है, हमने टैग बहुत झूठी तारीफ कर दिया। अच्छा गाइस देखो, आप खुद देखो मैं झूठी तारीफ कर रही हूँ, कितनी अच्छी आई खुद होता है। अभी देखूंगी मैं कितनी अच्छी आपकी थ्रेडिंग कर अभी ना सवाल ये है करोना मेकओवर की टीम, देख सकते हैं आप लोग। अभी और लोग आए नहीं है, जो कि आज यही लोग हैं क्योंकि सभी बिजी हैं। और ये है मैम, देख सकते हैं इन्होंने आज अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, टीम के बच्चे हैं। चलो तो अब आपका काम स्टार्ट कर देते हैं जल्दी। चलो मैम लग जाओ टीम, इसे हम लग बोल ये बोल ही देंगे। एक टांग ऐसी खींचो, ये कैसे मैं पैर कर रही थक चुके हैं और सब तो चले गए क्योंकि दीदी ने कराया और दीदी थक चुकी है क्योंकि आज बहुत सारे लोग थे दीदी के पास, पूरा ये भरा पड़ा है। नो लोग्स यार, इज दिस लुगाई
तो गाइस इनके बहुत सारे यहाँ कस्टमर आए हुए थे, बहुत ही ज्यादा लोग तो बहुत सारे हैं। ओहो मैं घनी बड़ी आ रही यार यार टाइम तो अब थक चुकी है दीदी। और गाइस दीदी के दीदी दिखाओ कितनी अच्छी कर रही है, मतलब हम कर रहे हैं हमारी लाली बैठी है, दीदी कर रही है, दीदी मेरे मद्दू तोड़ने की बात कर रही हैं। अगर मेरा मद्दू टूट, अगर शेरनी का मद्दू टूट जाता तो उसकी जिम्मेदार दीदी होंगी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, ये घर जाके दिखाऊंगी दिखना रहे फ्लाइट में चली, जबकि मैंने बुलाई दीदी मो लेना आई है और हम जा रहे हैं दीदी से कर रहे बाय दीदी, क्योंकि मैं हाथ निशा नहीं कर सकती दीदी पहले ही होगी बाय दीदी बाय जी मैं हाँ गाइस दीदी मैंने नेल्स भी कराए पैर के भी और हम जा रहे हैं घर। अरे वाह मुझे लग गाड़ी आ रही है, क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं और ये तो आपने देख ही लेंगे पता कुछ कटे तगड़े लग रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ लग रहा है जाम बहुत बुरा वाला, देख सकते हो मतलब एक यान है या क्रेंची है और एक डंपर है, एक वो है और एक और डंपर इंगल रोड से आया हुआ है और दीदी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर रही है, एक डंपर आया हुआ है इंगली तरफ से जिसने जॉम लगा दिया, इसलिए वो खाली अच्छी को आगे से इस जमा से बात रख माजी ये समझा रहे हैं माजी यू है क्रेन यू वाला कैसे लग रहा है क्रेन वाला है खड़े ना थोड़ी देर जेसीपी पीछे गाड़ी निकल जाएगी यू भैया पिटेगा मेरी मोने तो वो गाइस मेरी जूती गिर गई नीचे यार उसमें गिरे थोड़ी देर तो यहीं खड़ा रहे ये थोड़ी देर रुक जाएगा ना पीछे गाड़ी निकल जाएगी फिर आराम से निकल जाना मैं भी सोच रही हूँ ब्लॉग तो मेरा यही बन जाए। आप गाइस देख सकते हो कहाँ तक आप गाड़ी क्यों दिख रही होगी और भी है क्या आई हुई गाँव में बैदपुरा गाँव में जो इतना बुरा जाम लग रहा हो देख सकते हैं आप लोग, जो कि एक डंपर ने लगाती हो डंपर और या क्रेन ने जो आदमी कोई बड़ा आदमी आया होगा दीदी इसलिए बड़ा स्कूल आने वाला अभी हो यार रोड पे भीड़ है सर सर बालक छोटे छोटे हमें पहली बार यार रोड पे इतना जॉब मिला हो ये हमारा 10 मिनट का रास्ता है नहीं सर 5 मिनट तो ना ज्यादा कम कह दी 10 तो है 10 मिनट ये लोग आ रहे थे थोड़ा हमारा एक्सीडेंट हो गया तो ये यहाँ ले जा रहा है, मैं तो कह रही थी यही होएगा अगर ऐसे करोगे तो यही होएगा, कमर में लगी चोट और ये देखो ये अलग अलग चल रहा है गाय ये भी आगे देख के चल लो नहीं हुई मार देंगे चगा सा गाय जब थोड़ा कमेंट करके बताओ कि इतना फैशन में चूर होकर चलोगे कुछ भी भाभी तुम्हें देख रही है गाय जब बताओ खुद ही एक को गाड़ी चलाने नहीं आती इतने अच्छे से कुछ दिखता नहीं है इसको है और एक मैडम जी ये देखो कमर तोड़ के आ गए अब पापा इन्हें बताएंगे अच्छे से फिर पापा इन्हें कभी गाड़ी नहीं देंगे फिर करते कैसा लग रहा रो रही है गाइस अब हम क्या कर सके भाई अगला ही रहा चलो गाइस वहीं जाके देखते हैं क्या ही होता है क्या नहीं फिर भी चॉकलेट खाई है क्योंकि चिप कराने के लिए चॉकलेट पिला दी अब मैं गलती से स्लीपर्स पहन के चल गया
चलो इस चलते हैं ऊपर, हमारी चुनचुनी भी ये दोनों ही। तो कैसे लग रहा है? बहुत बुरा। बहुत बुरा लग रही बिछी गाइस, जब काम ऐसे है तो लगेगी नहीं, बात बताओ। और भीड़ इतनी होती गाइस, जाम आपने देखा ही होगा, उसी जाम के बीच में हमारा ये हुआ था। अंदर चलते हैं। कहाँ? बताया तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होगा? बताई नहीं थी? अरे हाँ सॉरी गाइस, वो कॉल पर प्रियंका के एक्सीडेंट कमर पे लग गई। कमर पे लग गई। आ जा रही थी। जाम ही इतना था, जैसे गाड़ी दिखती नहीं है। ओ भाई, ये कितना बुरा तरीके से लड़ने लगा। गाड़ी में पीछे वो आ गए स्क्रैचेस थोड़े से। सही में गाड़ी में स्क्रैचेस आ गए? सही में डर क्यों रहा है भाई? भाभी तुम बताओ, लगी है नहीं लगी तुम्हारे? कितने लगी ना चोट? सुनो, जो जाम हो रहा है ना, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी है। जो जाम हो रहा है ना वहाँ पे, जाम जो हो रहा था ना, गाइस जो जाम था ना उसमें एक गाड़ी ठोक गई हमारी, और पता नहीं क्या बोलूं। हेलो। और तो खैर इनकी ही होगी। उधर है क्या? रुको तो मैं फोटो दिखा दी तुम्हारी गाड़ी के स्क्रैचेस के। स्क्रैचेस कह रही हूँ, स्क्रैचेस के। कपड़े ले। क्या? कपड़े। काय को? गाइस हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो गाड़ी ठुक गई, क्योंकि उसके ही नसीब में थी वो चीज। पर मेरे लगी, मैं खुश हूँ। गाइस इन्हें शर्म नहीं है, उससे मंगा रहा हूँ। गाइस से मम्मी और पापा सामान लेकर आए हैं छाविक को, और हमारा प्रैंक फेल हो चुका है। हम प्रैंक कर रहे थे आप पे भी और मम्मी पापा पे भी। गाइस उन्होंने सोचा था कि मम्मी पे प्रैंक करेंगे, पर इनसे प्रैंक हुआ नहीं है। देखो ना, प्रैंक हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सोचा हुआ नहीं पर कोई दिक्कत नहीं। अब मम्मी सामान लाए थी राशन का, दिस इज़ वेरी गुड मटेरियल हमारे लिए। और दिस इज़ अब बनेगी चाय। और इंडिया और किसका मैच चल रहा है इस टाइम? इंग्लैंड का। ओह वाओ, व्हाट अ कैप्टनशिप बाय रोहित शर्मा। कैप्टनशिप पारे भी खेली। और बॉलिंग बहुत तगड़ी हुई, बुमराह 2 विकेट, सिराज करण शमी 2 विकेट, कुलदीप 1 विकेट। बहुत तगड़ा मैच चल रहा है। अब मम्मी कुछ कह रही है, मैं नहीं पकड़ा था बीच में, जब तुम चले गए थे उठ गया था शारीर। अभी हाँ, तुम चलेगी छाविक ने भौंकना। हम गए 5 बजे, 4:30, 4:30 बजे गई। जब तुम गई ना, छाविक भौंक रहा है उठ गो, फिर मैंने संभाला। पकड़ रहा हूँ। तो गाइस चाय बन रही है, चाय बनने के बाद दिखाते हैं आपको, ठीक है? गाइस चाय वाय हमने पी ली, उन्होंने और मम्मी ने बर्गर भी खा लिया है। अब ये प्याज और टमाटर काट रहे हैं। और गाइस अपने को नखुनाइस करना। चलो मेरे तो अच्छे नहीं है, तुम करना, करो तो सही। बस देख लो, जस्ट एट। चलो इनके पैर के दिखाता हूँ, पैर के कैसे भी इनके पैर के एक्टिंग है। तो गाइस सब्जी हमारे जो हमारे लिए बन रही है दाल, जो पापा खाएंगे वो खाएंगे भूजी। हाँ अब मम्मी तो तन्नू संभाल रही ना, अभी वहां तन्नू ने कराई। तो गाइस ये इनका मोनोरथ है आज का, थोड़ी देर के लिए, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। गाइस इनकी आंखों देखो, मैं आंखों देख कर मैं बात करता, मैं वो लौंडा नहीं। गाइस बहुत लोग कह रहे थे कि अपनी फर्स्ट मीट दिखाओ, फर्स्ट मीट दिखाओ, फर्स्ट मीट दिखाओ, फर्स्ट मीट पिक दिखाओ। तो गाइस आज आपको फर्स्ट मीट फोटो दिखाते हैं, एक सेकेंड। गाइस मम्मी आ चुकी है अब किचन में। मम्मी इनका गाइस इधर मम्मी की वीडियो एडिटिंग हो रही थी। अब पापा बोले थे सब्जी छोक दो, मम्मी का दिमाग खराब हो गया। वीडियो नहीं होगा तेरी यार, 1 घंटा से। हाँ हाँ पूरे दिन मेहनत करो। और गाइस मैं अपने लिए मंगा रहा हूँ बर्गर, तो
कोई तो मंगाया नहीं किसी ने, कोई नहीं, बट हम मंगा लेंगे अपने लिए। शार्विक तू भी खाएगा? हमें अपने यहाँ शार्विक खाएंगे, वहाँ से मंगाएंगे बर्गर किंग से। देखेंगे सारी सुबह हो जाएंगे तो। बर्गर किंग से खाएंगे, दो बार के साथ एक फ्रेंच फ्राइज फ्री आएंगे, ठीक है? अभी ऑर्डर करता हूँ मैं, जो कभी आता हूँ। तो गाइस ये अब बर्तन वॉश कर रहे हैं, और गाइस मतलब इनका थोड़ा कुछ प्रॉफिट हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मुझे बता रहे थे। बताना चाहोगे इसमें? कुछ प्रॉफिट ना हुआ, घाटा हुआ है? घाटा भी ना हुआ। फिर क्या हुआ? कछु ना हुआ। कछु ना हुआ, फिर किच, फिर क्या हुआ? कुछ कछुआ हुआ है, मन की कछुआ हुआ है, कुछ तो हुआ है, तो तुम्हें बता रहे। गाइस फाइनली ना मेरे 11 सब्सक्राइबर बढ़ गए, पता नहीं कैसे। सही में देखा था ना, देखो मैं बाद में दिखाऊंगा, चलो छोड़ो ना, जन्ना लग जाए। तो गाइस ये कपड़े कपड़े कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, बर्तन वॉश कर रहे हैं, और वो भी रोटी, ये कपड़े हैं गाइस, इनके नेल सो चुके हैं, पैरों के नेल, आप सबके लिए मेक ओवर, जो जो नहीं जानते, जो जो नहीं नहीं है उनके लिए मेक ओवर। तो उनके हाँ बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, तो अगर ये भी कराने हैं, मैं नीचे नंबर डाल दूंगी, आप उनसे बात करके उनके यहाँ पे जा सकते हैं, और बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जो आस पास सबको ही जा सकते हैं, और नील्स वील्स जा रहे, एक नंबर कर रखा है। हाँ जी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस बर्तन वर्तन सब वॉश हो चुके हैं, अब जो है किचन विचन मतलब बर्तन में जो गीले हो जाते हैं, उनको कपड़े वपड़े साफ करा जाएगा, पूछा जाएगा। अभी तुम तो कल कह रहे कल रखूंगी, किचन साफ हो गई, किचन साफ हो गई ना, बस किचन साफ हो चुकी है। तो बर्तन वर्तन अभी रखे जाएंगे, एक ही से देखो ढोर को, अन्ना तो ढोर नहीं है, वो बच्चा है, मैंने ढोर का ही उनका देखो ना बच्चा ना, तो डोर नो है भाई। चलो रोटी वोटी खाएंगे, चलो एंड करना है क्या ब्लॉग का? भाई अभी एंड करेंगे, अभी करेंगे, मैं इसको संभाल लो चालू को।